हेलो दोस्तों, एनबीटी लाइफ के सेहत की बात में मैं तनप्रीत आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अपने खाने को जब बनाते हैं तो उसमें तेल का उपयोग करते हैं। अब लोग इस बात में कंफ्यूज है क्योंकि रीजन हिसाब से तेल यूज़ किया जाता है और आजकल हेल्थ को देखते हुए भी अलग अलग तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, कई लोग सोयाबीन, कई लोग सरसों का तेल, लेकिन कई लोगों में ये कंपटीशन चलती है कि सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा है या ऑलिव ऑयल अच्छा है, किस में खाना बनाना चाहिए जिससे आपको प्रॉपर आपको उसके बेनिफिट्स मिले। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तेल का क्या बेनिफिट है और कौन सा तेल रोज़ाना उपयोग करने में बेहतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई लोग मानते हैं कि ऑलिव ऑयल मस्टर्ड ऑयल से ज़्यादा फायदेमंद है। खाना बनाने वाले तेल के इस्तेमाल को लेकर कई धारणाएँ बनी हुई हैं। हम खाने में कई तरह के तेल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऑलिव ऑयल के फ़ायदे के बारे में बताते हैं, कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल के बारे में बताते हैं, जो कि हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताता है ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए। तो आमतौर पर तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है। ये शरीर में आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के साथ चर्बी को भी बढ़ाता है। तो कई रिसर्चर्स में ये पता लगा है कि कई तेल आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपके मन में भी अगर ऐसा सवाल है तो पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं कि जैतून का तेल और सरसों के तेल में कौन सा तेल बेहतर है हमारे स्वास्थ्य के लिए और कितनी क्वांटिटी में हमें इस तेल को लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल के बारे में। सरसों का तेल सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये तेल शरीर की कई छोटी बड़ी समस्याओं से निजात दिलाने में भी फायदेमंद साबित हो सकता है, जैसे ग्लोइंग स्किन पाना, वजन घटाना, इम्यूनिटी बढ़ाने में ये काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में सरसों का तेल अगर आप इससे मालिश करें तो ये बहुत आपको फायदा देता है। सरसों के तेल के कई फायदे होते हैं, इसलिए शायद ज़्यादातर घरों में सरसों के तेल में ही खाना बनाया जाता है। अब बात करते हैं जैतून का तेल, यानी कि ऑलिव ऑयल। जैतून का तेल सबसे लोकप्रिय खाना पकाने के तेलों में से एक है। खास तौर पर हेल्थ फ्रीक लोग इस तेल का इस्तेमाल करना बेहद पसंद करते हैं। ऑलिव ऑयल सूजन घटाने, हार्ट को हेल्दी रखने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने, वजन घटाने और दिमाग के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। कई डाइटिशियंस भी ये सलाह देते हैं कि जैतून के तेल का सेवन करने का आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। ये आपके खून से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसका स्तर कम करता है और साथ ही अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो खून है उसमें खराबी आ गई है तो वो भी उसको फिल्टर करता है। तो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग अपने सैलड्स में या मैरिनेशन करते वक्त या ऐसा बटर वाला कुछ खाना नहीं खाते बल्कि उसकी जगह ऑलिव ऑयल का छिड़काव करते हैं। तो ये आपको कच्चा खाने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। ऑलिव ऑयल स्किन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप ऑलिव ऑयल की मसाज करते हैं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है स्किन के लिए। ऑलिव ऑयल के मुकाबले सरसों के तेल में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स और ज़रूरी फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ऑलिव ऑयल और सरसों के तेल दोनों ही दिल की सेहत को मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। सरसों के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सब भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। साथ ही ये तेल गुड कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। ये तेल ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। साथ ही इसमें शरीर के लिए अन्य ज़रूरी हेल्दी फैट्स भी होते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑयल ज़्यादा बेहतर है। तो जब भी आप बाज़ार जाकर एक तेल खरीद रहे हैं और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है तो पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और NBT Life को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।